ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक कंपस, फिर इसका काम बताओ, काम क्या है? दिस इज यूज टू टेक द बेरिंग फॉर कॉलिजन अवॉइडेंस, पोजिशन फिक्सिंग एंड फॉर कंपस एरर। ये तीन चीज़ों के लिए हम लोग इसका बेरिंग देते हैं, कॉलिजन अवॉइडेंस, पोजिशन फिक्सिंग एंड कंपस एरर। चौथी चीज इससे इसका यूज है कि वी कैन स्टीयर द शिप बाय मैग्नेटिक कंपस इन केस ऑफ जायरो फेलियर। ठीक है, हीरो बना रहेगा कभी किसी को, कभी मूवी थोड़ी है। ठीक है, वी कैन स्टीयर द शिप बाय मैग्नेटिक कंपस वेन एवर देर इज जायरो फेलियर या इन केस ऑफ जायरो फेलियर। और फिर उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में क्या रहता है, पहले तो सबसे पहले अभी ये मैग्नेटिक कंपस है तो मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे तो सबसे पहले आते देखेंगे कि देर इज नथिंग इन माई पॉकेट और अराउंड मैग्नेटिक कंपास विच कैन डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो ये बोल दिया। नेक्स्ट इसका प्रिकॉशन रहता है कि आई विल सी दैट देर इज नो बबल फॉर्मेशन, इसमें बबल फॉर्मेशन हो सकता है अंदर, इफ देर इज एनी बबल फॉर्मेशन अंदर। इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, दो चीज़ों का कंपोनेंट है, होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल एंड डिस्टिल वाटर। इथाइल अल्कोहल का काम है कि वो डिस्टिल वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, और डिस्टिल वाटर इज देयर टू प्रिवेंट इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इवेपोरेटिंग। ठीक है, वो डिस्टिल वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, पानी जल्दी फ्रीज हो जाएगा ना, इथाइल अल्कोहल गर्म चीज़ है एंड डिस्टिल वाटर जो है वो इथाइल अल्कोहल से ठंडा है तो इट डजंट लेट इट evaporates, it prevents the ethyl alcohol to evaporate. और अगर bubble formation है so we will inject any of, तुम ethyl alcohol भी डाल सकते हो या distilled water या फिर the component which is provided by the manufacturer यहाँ से by a syringe from this tube. और bubble formation तो क्या करेंगे, यहाँ से inject कर देगा, अंदर डाल देगा। bubble का मतलब वहाँ से कुछ कम है, हवा है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम उतना और डाल दो। ठीक है, बाय सीरिंज, ये स्क्रू से। ठीक है, और इसका मेजर ये है कि सेम इसका वो डालेंगे, मतलब या इथाइल अल्कोहल डाल सकता है या डिस्टिल वाटर या दोनों को मिला के भी डाल सकता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर ने दिया आपको आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, और इसकी प्रिकॉशन है कि जब आपको सेलेस्टियल बेरिंग लेना है, सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये जो एरो बना है arrow should be up and for terrestrial this arrow should be down. ठीक है, for celestial observation arrow up, for terrestrial observation arrow down. Celestial. Terrestrial arrow down. Then फिर बाकी की इसकी जो normal precautions रहती हैं, I will see that prism is clear, magnified glass is clear, card inside is sharp and clear. And this thing, azimuth ring is free to move, rotate, and gimbal is free to move. ठीक है, ये gimbal है, ये azimuth ring है, ये free to rotate है, and the gimbal is free to move. So then you will take the bearing after taking this all the precautions. And when one more precaution you can add, when I am taking the bubble, ये जो है ठीक है, ये इसकी प्रिकॉशन है। अभी जैसे तुमने पूछा था, बोला था बीच में बेरिंग लेगा फॉर कंपास एरर, तो सर्वर ये बोल सकता है कि हाउ यू फाइंड आउट कंपास एरर, कंपास एरर अपने को कैसा पता चलता है, बाय एजीमथ, बाय एम्पलीट्यूड, बाय ट्रांजिट बेरिंग एंड by if we have variation and division. तो variation कहाँ से मिलेगी, चार्ट से, division, division card से। ठीक है, तो तुमको ये चीज अभी पूरी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो सर्वेयर या इसके अंदर से क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देखना, जस्ट ऐसा भी पूछ सकता है क्या है मैग्नेटिक कंपास है, बस खत्म। साथ में इसके इतना भी पूछ सकते हैं इसका यूज क्या है, सर यूज टू टेक द बेरिंग फॉर, ये सब हो गया। फिर ये बोल सकता है तुमको एरर कैसा, कौन सा, कौन कौन से एरर है, कंपास एरर है, कैसा मिलेगा, ये सबसे मिलेगा बस। क्या प्रिकॉशन लेगा, तो फिर ये प्रिकॉशन,
there should be no bubble formation, azimuth ring free to rotate, gimbal free to move, prism clear, card sharp and clear, celestial arrow down, periscale, nothing in my pocket or near around the magnetic compass which can deflect the magnetism of magnetic compass. ये सब बोल देने का ये इसके क्या शेड ग्लासेज है ना, इसकी बेयरिंग मैंने आया तो यार इसके साथ कभी नहीं ली, एक कैसे लेते हैं कुछ मालूम मतलब